पुश बटन दिया जाता है जो कि स्टार्ट करने से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक जबरदस्त। और हम जिस गाड़ी के रिव्यू करने वाले हैं हुंडा वीजल AWD हाइब्रिड गाड़ी है, तो रिव्यू की तरफ चलते हैं एंड जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं ताकि वीडियो काफी लंबी भी ना हो एंड रिव्यू भी हो जाए। तो माशाल्लाह काफी नीट एंड क्लीन गाड़ी है, व्हाइट कलर में गाड़ी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड इसकी प्राइस की बात भी आपको वीडियो के मैं अंदर बता दूंगा एंड गाड़ी फॉर सेल भी है। और इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रिव्यू करने वाले हैं हुंडा हाइब्रिड AWD का। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसके, ये पहले इसकी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब इसका रिमोट दिया जाता है जिसके अंदर लॉक अनलॉक का बटन दिया जाता है एंड स्टार्ट का बटन, जो कि करीब करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर पहले इसकी मतलब एक स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एयर ब्रेक दिया जाता है, यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन दिए जाते हैं मतलब एक म्यूजिक कंट्रोल के बटन एंड रिसेट के क्रूज कंट्रोल्स एंड रिसेट मतलब हर कॉल स्टैंड करने के बटन, हर चीज़। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर भी जाते हैं, ठीक है, पैडल शिफ्टर। इसके अलावा यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम के मतलब है कि हर चीज़ कंट्रोल करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको लाइट्स का एंड हर चीज़ का मतलब लो बीम का ऑप्शन दिया जाता है। डैशबोर्ड की बात करते हैं जी, तो डैशबोर्ड माशाल्लाह काफ़ी हार्ड प्लास्टिक में एंड मतलब कि लेदर में दिया जाता है। यहाँ पर आपको लेदर दी जाती है और ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर आपको एसी के वेंट दिया जाता है जिसके अंदर आपको क्रोम की लाइन दी जाती है। यहाँ पर आपको मतलब कि एसी के वेंट्स के लिए मतलब लो हाई बीम के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको आइकन का बटन दिया जाता है, इसके अलावा मतलब कि आपको इको मोड फ्लां फ्लां का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैडम में आपको एक मतलब है कि स्क्रीन नुमा दी जाती है जिसके अंदर आपको कैमरा भी मिलता है एंड म्यूजिक कंट्रोल फ्लां फ्लां टच नुमा आपको मैनुअल बटन की दी जाते हैं। यहाँ पर आपको डबल इंडिकेटर का बटन दिया जाता है। इसके अलावा एसी के विंड्स के अंदर आपको क्रोम की लाइन और यहाँ पर आपको बड़े ज़बरदस्त से एसी के मतलब विंड्स दिए जाते हैं जो कि एक लंबी सी लाइन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बॉक्स दी जाती है जिसके अंदर अपना आप सामान रख सकते हैं एंड मिडम में आपको काफ़ी मज़े का आपको ऑप्शन दिया जाता है मतलब कि कंट्रोल करने के लिए, जो कि गियर मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है लेकिन स्पोर्ट का बटन, पार्किंग का, हैंड ब्रेक का एंड रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव, ठीक है। तो पार्किंग का ऑप्शन एंड यहाँ पर आपको ग्लासेस वगैरह रखने के लिए एंड यहाँ पर आपको दिया जाता है ग्लास वगैरह, दो ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया जाता है एक ऑप्शन, इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट मतलब लेदर में दी जाती है। इसके अलावा काफ़ी यार मतलब काफ़ी मज़ेदार ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसकी मतलब कि डोर लॉक्स की। ऑटो मतलब आपको मिरर दिया जाता है जो कि फ्रंट के ऊपर, और आपको मैनुअल दिए जाते हैं, अनलॉक विंडो का बटन दिया जाता है, आपको साइड मिरर की कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दो वो आपको दिया जाता है, ठीक है, आप काफ़ी आसानी से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हैंडल्स की बात करें, यहाँ पर आपको क्रोम की मतलब हैंडल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा लॉक अनलॉक का बटन यहाँ से भी आपको दिया जाता है, पूरी क्रोम आपको दी जाती है और काफ़ी लेदर में आपको अच्छी क्वालिटी में आपको ये दिया जाता है पूरी डोर। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदार ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको एयरबैग दिया जाता है, एक यहाँ पर एयरबैग दिया जाता है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक वहाँ पे आपको एयरबैग दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलता। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया जाता है काफ़ी मज़ेदार मिरर्स एंड लाइट्स। यहाँ पर आपको डोर का मतलब लाइट्स वगैरह दी जाती हैं एंड मतलब इसका ऑप्शन वगैरह लाइट्स वगैरह एंड यहाँ पर भी आपको मतलब है कि एयरबैग्स के मतलब फंक्शन भी दिए जाते हैं एंड यहाँ पर आपको मिरर दिया जाता है, ठीक है, एंड साथ ही लाइट्स भी जो कि खोलने से ऊपर और बंद करने से ऑफ हो जाती है। तो काफ़ी मज़ेदार गाड़ी है माशाल्लाह। यहाँ पर आपको स्पीकर दिए जाते हैं, यहाँ पर भी आपको स्पीकर दिए जाते हैं, ठीक है। तो सीट्स की बात करते हैं, तो सीट्स आपको लेदर में दी जाती हैं जो कि मतलब काफ़ी लेदर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी आरामदेह में भी बैठे हुए, काफ़ी मुझे सुकून मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं बैक साइड के ऊपर, तो सनरूफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जर्सी गोलनुमा सनरूफ दिया जाता है, मतलब सनरूफ की बात करूँ मतलब एक छत की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मतलब गोलनुमा दिया जाता है, बैक साइड से आपको यू नुमा दिया जाता है। मिडम में आपको लाइट्स का बटन दिया जाता है और लाइट्स आपको मिल जाती हैं। तो बैक साइड से आप देख लें,
रिमोट है, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके मतलब आपको दिखाता हूँ इसकी डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका पुश बटन दिया जाता है जो कि स्टार्ट करने से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका स्पीडोमीटर दिया था 180 का। यहाँ पर आपको मतलब ये जो कंट्रोल आप करते हैं वो उसका मतलब ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर आपको ड्राइव, न्यूट्रल, पार्किंग वगैरह, यहाँ पर आपको टाइम, टेम्परेचर एंड बैटरी की चार्ज वगैरह आपको बता देता है। यहाँ पर आपको इस सिस्टम चाइना में नीचे आपको फ्यूल का ऑप्शन दिया जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अब चलते हैं बाइक की तरफ एंड बाइक से इसके रिव्यू करते हैं। तो बैक साइड के ऊपर चलते हैं, तो बैक साइड के ऊपर भी आप इसकी स्पेस देख लें। तो माशाल्लाह सीट्स की इसकी काफ़ी लेदर में आपको दी जाते हैं। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट के लिए एंड आपको यहाँ पर सीट बेल्ट्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको अंदर से लुक बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैठ के आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन का मतलब ये दी जाता है। इसके अलावा स्पेस तो काफ़ी अच्छी है एंड वही ले क्रोम एंड मतलब लेदर आपको दी जाती है। यहाँ पर आपके स्पीकर एंड ऑटोमेटिक मतलब विंडोज़ का बटन आपको दिया जाता है। अब चलते हैं बाइक की तरफ। हैंडल्स आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। एंड पहले चलते हैं बैक साइड के ऊपर। बैक साइड के ऊपर चलते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन दी जाती है। यहाँ पर आपको वाइपर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको LED लाइट दी जाती है, रिवर्स लाइट, ये रिवर्स लाइट एंड ब्रेक लाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको वीजल का लोगो दिया जाता है, वीजल गाड़ी जो कि होंडा वीजल हाइब्रिड AWD, ठीक है, हाइब्रिड का लोगो। मैडम में आपको क्रोम का लोगो दिया जाता है होंडा का, और फुल गाड़ी आप देख लें माशाल्लाह। बम्पर की बात करते हैं, बम्पर के अंदर आपको लाइट्स दी जाती हैं जो कि दो लाइट्स, और मैडम में आपको एक ज़बरदस्त सी शेक शाइनिंग नुमा दी जाती है, एक मतलब ज़बरदस्त सी। इसके अलावा चार एंटीना आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको क्रोम की एक लाइन दी जाती है। और हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मतलब कि छोटा सा इसके बटन दिया जाता है, और इसके अलावा आपको क्रोम के हैंडल दिए जाते हैं, ठीक है। तो गाड़ी दी आज की दिल क्या बताऊँ, गाड़ी बिल्कुल ओके है माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड मिरर की बात करते हैं। साइड मिरर आप इसको देख लें, यहाँ पर आपको कैमरा नुमा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंडिकेटर दिया जाता है एंड वाइट कलर में आपको साइड मिरर दिया जाता है, और नीचे आपको ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक में दिया जाता है। तो इसकी दूर से लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइब्रिड का लोगो आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा वाइपर एंड वॉशर के अंदर आपको यहाँ पर वॉशर दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रोजेक्टर आपको मतलब लाइट दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको लो बीम का, यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको यहाँ पर दी जाती हैं। आपको फॉग लाइट दी जाती हैं, और यहाँ पर आपको एक लाइट दी जाती है, ठीक है, बम्पर के अंदर। एंड यहाँ पर आपको इसकी दूसरी ग्रिल दी जाती है होंडा का लोगो, एंड ठीक है। अब बात करते हैं टायर्स की। तो इसके अंदर आपको अलॉय रिम दिए जाते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं। आपको ब्लैक एंड क्रोम कलर के मतलब के हल्की शीट में दिए जाते हैं इसके क्रोम अलॉय रिम। एंड यहाँ पर आपको होंडा का लोगो। एंड टायर की बात करें तो आपको मतलब 99% आपको टायर्स ठीक मिलते हैं, ओके। ये आगे इसके इंजन, हाइब्रिड गाड़ी है। ये आगे इसकी बैटरी, हर चीज़ आप देख लें। Thank you.
तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।